आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज जो कि मैं बात करने बोला यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, तो आप सबको पता है कि हर हफ्ते में मेरी एक वीडियो आती है जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि इस समय आपके कौन कौन से जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे लग रहे हैं, जिसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन की है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग से लेके पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है खास कर आपके लिए ही बनाई गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसीज है वो यहां पे निकल के आई है। सबसे पहले हम इस पे यहां पे क्लिक कर देते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसीज आईटीबीपी की। तो इसमें आप सभी यहां पे देख सकते हैं कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है 27/6/2023 को शुरू होंगे, यानी कि 27 जून को इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे। और मैं आपको बता दूं इसकी जो वैकेंसीज है 458 आपकी वैकेंसीज है, 10th पास आपकी रहने वाली है, जिसमें आपकी एज 21 से लेकर 27 वर्ष तक रखी गई है। हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपका यहाँ पे आईटीबीपी में मांगा गया है। तो वही नीचे की तरफ आपको लेके चलता हूं, तो यहाँ पे जो मेन आपके ऑनलाइन फॉर्म है उसके बारे में ही आपको यहाँ जानकारी दूंगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आई है, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। हम इस पे भी यहाँ पे क्लिक करके थोड़ी सी नजर इस पे भी घुमा लेते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जो वैकेंसीज निकल के आई है इसकी जो लास्ट डेट है आप सबको बता दूँ 30 जून इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ 250 रुपया इसकी एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है अगर आप इसका फॉर्म लगाना चाहते हैं। इसमें अलग अलग जो आपकी वैकेंसीज अब यहाँ पे दी गई है, फ्लाइंग की वैकेंसीज है, बैचलर डिग्री इसमें मांगी गई है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक आपके जो सब्जेक्ट है 10+2 में होने चाहिए, BA BTech जो कोर्स है आपका वो यहाँ पे इसमें मांगा गया है। तो वही नीचे की तरफ आपको लेके चलो, तो यहाँ पे IBPS की तरफ से यानी कि RRB की तरफ से यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। इस पे भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है क्योंकि कई बार नेटवर्क का भी जो इश्यू है वो यहाँ पे बना रहता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरी जानकारी मिल जाएगी भाई कौन कौन से फॉर्म लग रहे हैं। लास्ट डेट देखिए, आप सबको बता दूं ये बैंक की वैकेंसीज है IBPS की तरफ से यानी कि RRB की तरफ से, इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म लगाने की वो यहाँ पे 21 जून रहने वाली है। इसका एग्जाम अगस्त में करवाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं इसकी जो एप्लीकेशन फी है ऑनलाइन फॉर्म लगाने की जनरल OBC के लिए 850 रुपया रहेगी, SC और ST वालों के लिए 175 यानी कि 175 रुपया रहेगी। इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी एज है यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की 18 से 28 है, ऑफिसर सेल की यहाँ पे जो एज है वो यहाँ पे 18 से 30 रखी गई है। अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग जो आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पे रखी गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करूँ 8612 टोटल आपकी वैकेंसीज है। इसमें आपकी जो बैचलर डिग्री है भाई लोग वो यहाँ पे मांगी गई है, मास्टर ऑफ बिजनेस MBA डिग्री यहाँ पे मांगी गई है, अलग अलग जो आपकी कैटेगरी पे अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगी गई है आपके सामने है। तो वही हम नीचे की तरफ आपको लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आपको बता दूं यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे और भी फॉर्म है। इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से वैकेंसीज निकल के आई है भाई लोग, जिस पे भी हम नज़र घुमा लेते हैं। इसके बारे में तो फिलहाल मैंने आपको बहुत जानकारी दे दी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं इसकी जो लास्ट डेट है ना वो यहाँ पे दी एंड हो गया है। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं 11/6/2023 दी एंड, मतलब क्लोज हो गया भाई इसका काम। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे की तरफ लेके चले SSB हेड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023, तो इस पे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए SSB की तरफ से यानी SSB हेड कांस्टेबल की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है, 18 जून इसकी लास्ट डेट है, फॉर्म लगा लीजिए। जनरल OBC के लिए 100 रुपया फी है, SC ST के लिए, PH के लिए, फीमेल के लिए भी कोई फी इसमें नहीं रखी गई है। टोटल इसकी वैकेंसीज की बात करो 914 यानी कि आपको बता दूं यानी कि 914 इसमें आपकी वैकेंसीज हैं। इसमें कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज दी गई है, 10th पास आपकी है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, उसके रिलेटेड आपके पास ITI का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना चाहिए, एज आपकी 18 से 25 इसमें रखी गई है। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो आपकी वैकेंसीज है, वेटनरी की वैकेंसीज भी इसमें निकाली गई है। लड़के पूछ रहे थे कि सर SSB में वेटनरी की वैकेंसीज, तो भाई लोग जे रही वेटनरी की वैकेंसीज 10+2 मांगी गई है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स इन रिलेटेड ट्रेड यानी कि वेटनरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते तो आपके पास डिप्लोमा कोर्स का डिप्लोमा जो है कोर्स का
यहाँ पे होना चाहिए, एज आपकी 18 से 25 रखी गई है, ठीक है, पूरी जानकारी आपके सामने यहाँ पे दी गई है। तो अब यहाँ पे नीचे की ओर चलते हैं, यहाँ पे और नजर घुमा लेते हैं। फिलहाल आपको बता दो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज भी आई है, इसके फॉर्म अभी लेट लगने हैं, चलो इस पर भी एक नजर घुमा ही लेते हैं थोड़ी सी। आपको बता दूं 7,547 वैकेंसीज आउट की गई हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, इसके जो फॉर्म है 1/9/2023 को लगेंगे, बहुत दूर की बात, अभी 30/9/2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी, एग्जाम की तैयारी आप घर बैठे इसकी कर सकते हैं। वही बात करूं यहाँ पे नेबी अग्निवीर एमआर की वैकेंसीज है, ठीक है, नेबी एसएसआर की आपकी वैकेंसीज है, चलो इस पर भी एक नजर घुमा लेते हैं। तो यहाँ पे नेबी की जो आपकी वैकेंसीज भाई निकाली गई है ना, ठीक है, जो नेबी की आपकी वैकेंसीज निकाली गई है, इसमें देख सकते हैं आप नेबी एमआर की जो वैकेंसीज है 15/6/2023 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 15 जून इसकी लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फी आपकी ₹550 इसमें रखी गई है, 120 वैकेंसीज है नेबी एमआर की, क्लास 10th पास इसमें चाहिए, 1/9/2002 से लेके 30/6/2006 की भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है भाई वो होनी चाहिए। तो आगे की तरफ आपके लिखे चलू, यहाँ पे नेबी एसएसआर की भी यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है, इसके बारे में मैं आपको काफी बार जानकारी दे चुका हूँ, फिलहाल ये वीडियो बनाई है कि इस समय कौन कौन से फॉर्म लग रहे हैं, तो ये भी आपको बताना जरूरी था। इसमें सब कुछ सेम है, 15 जून इसकी लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फीस सेम है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वही है जो मैंने आपको पिछली लास्ट टाइम में बताया था, यानी कि आप सभी खुद देख लीजिए भाई यार, जो मैंने एमआर में बताया था यहाँ पे 1/9/2002 से लेके 30/6/2006 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ रखी गई है। वैकेंसीज आपकी 1638 है, इसमें 10+2 आपकी 12th पास चाहिए, जिसमें मैथ फिजिक्स आपके जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जानकारी रही कि इस समय कौन कौन से जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे लग रहे हैं, कम से कम 15,000+ वैकेंसीज पे इस समय जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे लग रहे हैं, कम से कम 5 से 6 फॉर्म के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पे दे दी है। तो वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी घर बैठे नई से नई भर्तियों के बारे में बिल्कुल सही जानकारी पाना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक जय हिंद जय भारत।